अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर FSC स्टूडेंट के लिए सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में ज़रूर आते हैं, सो आपने कंसंट्रेट करना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को जितना ईजी हो सके आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। सो अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो आपको होपफुली इस चैप्टर की क्लियरली समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या। बायो एनर्जेटिक्स एक फील्ड है, बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी किया जाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जो एनर्जी का रिलीजेज हो रही होती है, जो एनर्जी की सिंथेसिस हो रही होती है, इन सब प्रोसेसेस की स्टडी बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी है क्या? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द वर्किंग मशीन्स। जैसे कि व्हीकल्स होती है जो कि एक मशीन है, और मशीन को काम करवाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि व्हीकल्स के लिए आप पेट्रोल की फॉर्म में एनर्जी देते हैं, गैस की फॉर्म में, डीजल की फॉर्म में। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी एक मशीन है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म वर्क और टू स्टे अलाइव, वी कैन से। सो ऐसी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है सब्सटेंसेस की, और उस सिंथेसिस का फ़ायदा क्या होता है, हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, रिपेयरिंग हो रही होती है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये सिंथेटिक प्रोसेस हैं। और आपको पता है जहाँ पर सिंथेसिस हो रही हो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड आप देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि एनर्जी को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करना है चीज़ों की। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली होता क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, यानी हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और जब ऐसा होगा तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। सो ये एक और एग्जांपल है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फेगोसाइटोसिस जब सेल जो है फूड इंगल्फ कर रहा होता है उसे फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस जब सेल जो है वाटर वेजिकल एब्जॉर्ब करे उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस जब सेल जो है वेजिकल एक्सक्रीट करे, सेल से बाहर भेजे, उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। सो ये सब प्रोसेसेस भी एनर्जी यूज़ करते हैं। फोर्थ देख लेते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारा बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो सिग्नल्स की ट्रैवलिंग हो रही होती है उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम देखें तो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड बीटिंग ऑफ सिलिएंट फ्लैजेला। ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला की मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सिलिया की मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम रिस्पायरेशन यूज टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट रेंज में रहता है, सो उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट चाहिए होती है, और वो हीट एनर्जी रिस्पायरेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, सो वहाँ पर भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो ये सारे प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा और प्रोसेसेस भी हैं, ये मैंने कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं। ये सारे प्रोसेसेस हमें बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी ना हो तो ये कोई प्रोसेस ना हो, बल्कि लाइफ ही पॉसिबल नहीं है विदाउट एनर्जी। सो अब हम देखते हैं थोड़ी सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो केमिकल्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे केमिकल एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन। हीट एनर्जी आपको पता है कंबस्चन के नतीजे में जो आती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। एंड साउंड एनर्जी, ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। और एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, उसके मुताबिक एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जितनी भी फॉर्म की एनर्जी है ये क्रिएट भी नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती।
बट इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बल्कि ये सारी एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। एक फॉर्म की एनर्जी आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू क्रिएट एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते अपने लिए। सो वो एनर्जी क्या करेंगे, किसी और सोर्स से रिसीव करेंगे, और वो सोर्स क्या है, सनलाइट है ऑफकोर्स। सो हम कह सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर। जितनी भी लाइफ है दुनिया के ऊपर वो डिपेंड करती है सनलाइट पर, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट की जाती है अदर फॉर्म्स में, और फिर वो दूसरी जो फॉर्म्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। कौन सी फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं वो भी अभी हम देखते हैं। सो एनर्जी सोर्स क्या है, सनलाइट है। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, एनर्जी एग्जिस्टिंग इन सेवरल फॉर्म्स, ये सारी फॉर्म्स हैं एनर्जी की जो हमने स्टडी की, बट ओनली टू आर सूटेबल एज एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दो फॉर्म जो हैं वो बहुत सूटेबल हैं, एक लाइट एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी। ये जो केमिकल एनर्जी है ना, ये ही वो एनर्जी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये सारे काम करवाने में हेल्पफुल होती है। केमिकल एनर्जी से मुराद क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के काबिल हैं, और केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी से मुराद ये है ऐसी एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में स्टोर्ड हो, और उसको तोड़ के जो रिलीजेज से जो एनर्जी मिलेगी उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर पाएंगे। सो लाइट एनर्जी के बारे में क्या है, लाइट एनर्जी इज़ नॉट सूटेबल डायरेक्टली। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी कन्वर्टेबल है बट एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती, क्रिएट नहीं की जा सकती। सो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो सनलाइट की एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करने के काबिल होते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स। और ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो ऑर्गेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स, प्रोटिस्ट लाइक एलजी एंड सम बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। यानी इन ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर ऐसा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऐसी कोई मशीनरी लगी हुई है जो इस काबिल है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करे, एक्सेप्ट करे और उसे केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे। सो इसलिए हम, हमारे लिए जो लाइट एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो केमिकल एनर्जी होती है ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इस एनर्जी को भी यूज़ करने के लिए बॉडी के अंदर एक प्रोसेस है जिसे रिस्पायरेशन बोलते हैं। टू यूज़ केमिकल एनर्जी रिस्पायरेशन नीडेड और हेल्प्स, और रिस्पायरेशन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ इन ऑर्गेनिजम्स में होती है, बाकी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए, बर्ड्स हो गए, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स पर। यानी विदाउट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट एबल टू सस्टेन लाइफ, क्योंकि हमें फूड ही नहीं मिलेगा, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स। वो एक्चुअली वो फूड जो है अपने लिए तैयार करते हैं और हम उस फूड को लेते हैं। सो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक्ट एज स्टोरिंग व्हाइल रिस्पायरेशन एक्ट एज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बनाने में जो प्रोसेस होता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, केमिकल के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। सो उस स्टोर्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए जो फिनोमेना है उसे रिस्पायरेशन बोलते हैं। सो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक्ट एज स्टोरिंग व्हाइल रिस्पायरेशन एक्ट एज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है, When chemical bonds are formed, energy is stored, and when bonds are broken, energy is released. जब bonds बनते हैं तो energy stored होती है, जब bond टूटते हैं energy release होती है। तो bond के टूटने से जो energy release होती है वो सारी इन activities के लिए इस्तेमाल की जाती है। So the flow of transformation of energy from one form to another in living organism is studied in bioenergetics. So यही जो flow है energy का एक form से दूसरी form में, इस सब की study को bioenergetics कहा जाता है।
ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रोसेसेस की तरफ जाएंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।